हाई एंड वेलकम टू दी हाई फ्री सिस्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी वॉट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स एंड ये एक टाइमलेस जेनरल रीडिंग है सो पहला चीज़ आप इसे कभी भी देख सकते हो जब भी देखो उस टाइम से शुरू करके नेक्स्ट चौबीस घंटा यह आपको रेजोनेट करना चाहिए और ये जनरल रीडिंग है सो so प्लीज जितना रेजनेट करे उतना ही लीजिए किसी भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल मत कीजिए मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं ओके लेट्स सी लेट्स स्टार्ट ओके नेक्स्ट ट्वेंटी आवर्स सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है नेक्स्ट 24 फोर आवर्स में आई फील लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सरेंडर कर रहे हो टू द यूनिवर्स आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जिसके साथ आप लड़ाई कर, कर कर के थक गए हो आपको लग रहा है कि ये चीज़ अब मेरे कंट्रोल में नहीं है या इस चीज़ को मैं अब चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती ये जब अपने आप चेंज होगा तब होगा पर आप इस चीज़ को अब और कैरी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपने बहुत या तो स्ट्रगल किया है लड़ाई किया है किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए किसी चीज़ से निकलने के लिए या वॉट एवर इट इज़ बट अभी आप सरेंडर कर रहे हो टू द यूनिवर्स ये सोच के कि मेरे लिए जो सही है अब वही होगा लाइक लेट यूनिवर्स डिसाइड लेट यूनिवर्स डिसाइड कि इसके आगे की कहानी क्या है इसके आगे क्या होगा मुझे क्या मिलेगा या um, मेरा जिंदगी कैसा होगा या वट एवर दैट इज सो आप बिल्कुल लेट गो कर रहे हो समथिंग थिंग सम वन सम रिलेशनशिप जो अभी बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है ठीक है um, hmm. ऑल्सो इस 24 घंटे में आप देखोगे कि आपका नज़रिया और दूसरा दूसरों का नज़रिया या कुछ लोगों का नज़रिया uh, काफ़ी अलग है मतलब आई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ़ कुछ लोगों की बातें या इनका बिहेवियर या ये लोग खुद um, ऐसा बिहेव कर सकते हैं जो आपको ऐसा महसूस करवाए कि आप गलत हो या ये लोग ये दिखाने की कोशिश करें कि आप गलत हो वो लोग सही है या आपके अंदर आ, हिम्मत नहीं है या कॉन्फिडेंस की कमी है या लाइक ये लोग आपके कुछ किसी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर सकते हैं या इन लोगों का कोई भी बिहेवियर या कोई भी बात आपको ऐसा लग सकता है कि ये लोग ज़्यादा है आगे है आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ज़्यादा सही है ज़्यादा अच्छे लोग हैं वॉट एवर इट इज़ ठीक है बट यूनिवर्स आपको यही कहेंगे दैट इट डजेंट मैटर कि ये लोग दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं या ये लोग कितना आगे है या कितना पीछे है या कितना क्या है वॉट मैटर्स इज़ आपका जर्नी या आपका इम्प्रूवमेंट क्या है लाइफ में क्योंकि आप जहाँ से शुरू किए हो वहाँ से इन ये लोगों में से किसी ने भी वहाँ से शुरू नहीं किया है ठीक है आपका जो जर्नी रहा है आपने जो जो चीज़ें फेस किया है उससे इन लोगों का कोई भी कनेक्शन है ही नहीं इन लोगों ने भी शायद बहुत कुछ फेस किए होंगे अपने लाइफ में बट उससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है ठीक है तो दोनों की जर्नीज़ बहुत अलग है हो सकता है कि ये लोग आगे है या वॉट एवर दे आर डूइंग ये लोग सही है गलत है इट डजेंट मैटर वॉट रियली मैटर्स इज़ कि आप कैसे नाविगेट कर रहे हो इस मोमेंट में अपनी लाइफ को आप उस ड्राइवर सीट में अगर बैठे हो अपने ज़िंदगी में तो आप कैसे अपना गाड़ी आगे लेके चल रहे हो कि आप किसी से रेस लगा रहे हो कि आप कहीं पे पहुंचने की इतनी जल्दबाजी कर रहे हो कि आप उस जर्नी को भूल रहे हो वट आर यू डूइंग रॉन्ग क्योंकि आई फील आपको भी ये लग रहा है दैट आप कुछ गलत कर रहे हो या आप किसी कारण के वजह से आप वो सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो दिस कैन बी करियर दिस कैन बी फ्रेंडशिप्स दिस कैन भी लव आपको लग रहा है कि मेरी मेरी लाइक सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है पर मेरी क्यों नहीं हुई या आप, आपको लग रहा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बहुत अच्छे पोजीशन में काम कर रहे पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा या मैं क्यों पीछे हूँ या मुझे क्यों वो सैलरी नहीं मिलता वॉट एवर दिस इज़ या आपको लग रहा है इसकी इस इंसान की बॉडी कितनी अच्छी है ये इंसान कितनी खूबसूरत है तो आप क्यों नहीं सो so, ऐसे कुछ इनसिक्योरिटीज़ है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सच है कि कोई अगर जस्ट uh, किसी की शादी हो गई है तो वो लाइफ में बेटर पोजिशन में है एंड आपकी नहीं हुई है तो आप नहीं हो इट ड मेक सेंस पर आपका जो ये इनसिक्योरिटी है ये आपको ये सब सोचने में मजबूर कर रहा है ये आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करने में मजबूर कर रहा है ये आपको ये आपके दिमाग में आपकी इनसिक्योरिटी ये डाल रहा है कि वाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग जो दूसरे लोग कर रहे हैं फिटिंग इन टू द बॉक्स मैंटेलिटी जिसे कहते हैं वही लेके आप चल रहे हो एंड इट्स नॉट लाइक कि इसके लिए आप जिम्मेदार हो या आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम जस्ट कि आपको ये समझना होगा कि अगर ये थाट्स अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो वो क्यों है उसका जर कहाँ से है इज़ इट योर इनसिक्योरिटी अगर आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में मुझे ये चीज़ चेंज करना चाहिए तो आप उसे चेंज करने पे फोकस कीजिए आप उसके उसे लेके किसी से कंपटीशन करने की कोशिश मत कीजिए डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है पर जर्नी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जर्नी को अगर इम्पोर्टेंस आप नहीं देंगे डेस्टिनेशन तक आप कभी नहीं पहुँचेंगे पर आपको लग रहा है कि जब तक मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता मेरे लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है मैं इंसान हूँ मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं उस डेस्टिनेशन पर नहीं खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था तो वहाँ पे आप तभी ना पहुँचोगे जब आप ये जर्नी कंप्लीट करोगे आप उस जर्नी के अंदर हो अगर आप जर्नी को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे अगर आप जर्नी को कम्प्लीट नहीं करोगे तो आप वैसे भी कभी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर कुछ पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा कभी ना कभी शुरू करना होगा वो रास्ता चलना होगा जहाँ जिसके एंड में जाके आप उस चीज़ को पा सको पर आपने वो रास्ता शुरू भी किया है पर आप कंटिन्यूसली अपने आप को डाउट कर रहे हो कि मैं क्यों रास्ते पे चल रहा हूँ मैं क्यों अपने डेस्टिनेशन पे नहीं हूँ ये कैसा सवाल है आप रास्ते पे नहीं चलोगे तो आप डेस्टिनेशन पे कैसे होंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ओके सो ये जो डाउट्स है ये जो थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो रहा है अप, आपके मन में इट्स बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी इट्स बिकॉज ऑफ दैट लैक एनर्जी वो पुराना बिलीव सिस्टम यू नो वो फिटिंग इन टू द बॉक्स वाला मेंटालिटी ये सबसे आपको निकलना होगा यू हैव टू चूज योर सेल्फ फर्स्ट ठीक है सो एटलीस्ट चौबीस घंटे में फोकस कीजिए आपके जर्नी पे um, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए वॉट यू हैव टू अचीव इन अ डे मे बी इन द नेक्स्ट ट्वेल्व आवर्स आपको क्या, क्या क्या करना है इज़ इट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी योर मेंटल हेल्थ योर करियर योर फैमिली फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स मैरिज बच्चे क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप एटलीस्ट इस नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में पूरा करना चाहते हो छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांटिए डोंट ऑलवेज लुक कि मुझे ये अचीव कर लेना है वो अचीव ठीक है आप करेंगे बट उससे पहले आप उस पूरे जर्नी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए आप टेक एवरी डे एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी एज अ न्यू स्टार्ट फिर आप देखोगे दैट यू विल रीच वेर यू वॉन्ट टू बी दूसरे लोगों का ओपिनियन इतना दिल पे मत लीजिए कि आपका लाइफ ही रुक जाए उस ओपिनियन पे या आप डिपेंडेंट हो जाओ उस, उस इंसान के वैलिडेशन <coughs> के ऊपर ठीक है दैट इज़ व्हाट आई सी यूजुअल डे रहेगा ज्यादा कुछ खास नहीं होगा लेट्स सी व्हाट इज़ फाइनेंशियली कुछ बेटर हो सकता है यस yes. अगर आप चाहो तो या yeah, फाइनेंशियली अगर आप कुछ मूवमेंट चाह रहे हो तो आपके साइड से कुछ एक्शन लेना जरूरी है अगर आप वो एक्शन नहीं लेते हो देन दैट इज नॉट हैपनिंग टुडे। जैसे कि मे बी किसी मीटिंग को अटेंड करना किसी समथिंग समथिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड तभी ये जो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फाइनेंस फाइनेंशियल गेन कर सकते हो तभी अपॉर्चुनिटी लाइक आपके सामने है पर अगर आप एक्शन लेते हो उसके टूवर्ड्स तभी जाके ये अपॉर्चुनिटी uh, आप क्रैक कर पाएंगे तभी जाके ये फाइनेंशियल गेन आप हासिल कर पाएंगे पर आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हो जो समझ ही ना पाओ कि एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी क्या है पूरे दिन में तो आप इसे ऐसे देखो कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है तो आप आज पूरा दिन एटलीस्ट अपने करियर में एक्शन के ऊपर फोकस कीजिए डोंट थिंक डोंट प्लान डोंट स्ट्रेटजाइज यूजुअली हम लोग प्लानिंग के पीछे बहुत टाइम दे देते हैं बट आज का दिन थोड़ा सा क्विक प्लानिंग कीजिए और फास्ट एक्शन लेने की कोशिश कीजिए चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हो मेक इट फास्ट डू इट फास्ट डोंट वेस्ट टाइम ठीक है डोंट सिट अराउंड एंड थिंक कि क्या होगा ऐसे करते हैं वैसे कर नहीं उतना समय आज नहीं है आपके पास वेन इट कम्स टू योर करियर योर फाइनेंस टेक एक्शन इमीडिएटली तभी जाके आप डेफिनेटली कुछ गेन्स कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ 24 फोर आवर्स ओके यस पर अगर आप एक्शन नहीं लेते हो रिमेंबर अगर आप एक्शन नहीं लेते हो ये गेन या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ नहीं आएगा ओके लव में आई सी आप बहुत ज्यादा विद्रोह तो हो ही साथ साथ थोड़ा सा डिनाइल फेज में लग रहे हो मुझे यस लव में थोड़ा सा डिनाइल फेज है विच मीन्स दैट कि आप ऑलमोस्ट पूरे अपने लव लाइफ को एक बैक सीट पे डाल दिए हो आपको लग रहा है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक आई एम डन मुझसे अब नहीं होगा मैं और नहीं झेल सकता या झेल सकती मैंने बहुत कर लिया इस इंसान के लिए बहुत हो गया नौटंकी बहुत हो गया ड्रामा आई एम डन सो आप बस उसे अपने पूरे लव लाइफ़ को लेके लाइक like, यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड आप उसके तरफ देखना भी नहीं चाहते एंड ये सिर्फ लव में नहीं कहूँगी इट्स योर इमोशनल साइड आपके इमोशन्स को आप एक बक्से में बंद करके बस अलमारी में डाल रहे हो कि बस बहुत हुआ अब इन सारी इमोशन्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है इमोशनल चक्कर में पढ़ना नहीं है ये सब सोचना नहीं है एंड आई थिंक ये जो फीलिंग है ये इसलिए आ रहा है फ्राम अ इमोशनल पेन और दिस कुड बी अ फियर जिसके बेसिस पे आपका ये जो फीलिंग um, है ये काइंड ऑफ ऑपरेट कर रहा है इट्स बिकॉज आप डर रहे हो कि कुछ इमोशनल लॉस होगा आपका इमोशनली आप थोड़े से ट्रबल में फंसने वाले हो इमोशनली आप थोड़े से यू नो नेगेटिव टाइम देखने वाले हो ये डर है मन में इनसिक्योरिटी है मन में या फिर आप रिसेंटली इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हुए हो किसी चीज़ से या आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है किसी के बातों से किसी सिचुएशन से किसी घटना से एंड आपको लग रहा है कि बस मैं इमोशनल हूँ इसीलिए ये सब होता है मेरे साथ मैं इमोशंस को लेके इतना चर्चा करता हूँ या करती हूँ इसीलिए मुझे हमेशा ये सब दुख दर्द झेलना पड़ता है अभी मेरे लाइफ में ये सब के लिए टाइम नहीं है अभी मेरे लाइफ में मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है मुझे प्रैक्टिकल रहना है मुझे ये करना है वो विच इज़ ओके विच इज़ फाइन पर एटलीस्ट अगर मैं यही कहूँगी इमोशन emotion नहीं इमोशनल नहीं रहना है मत रहिए बट अगर कोई भी पेन या कोई भी लैक एनर्जी से आपका ये इमोशनल ट्रबल जनरेट हो रहा है तो प्लीज़ उससे एटलीस्ट हील कीजिए आप इमोशनल नहीं होना चाहते हो इट्स फाइन आप थोड़ी देर अपने लाइफ में प्रैक्टिकल रहना चाहते हो बट वजह ये नहीं होना चाहिए कि इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे कुछ छिन जाएगा मैं हार जाऊँगी या मैं टूट जाऊँगी बिखर जाऊँगी ये फीलिंग नहीं होना चाहिए ये इमोशंस और डर एक साथ नहीं होना चाहिए ठीक है आम, भागना नहीं है इमोशन से इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए उसके बाद उसे आप बक्सा बंद करके रखिए पर एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डोंट रन अवे क्योंकि आप जिस भी इमोशन से भागेंगे वो इमोशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आप कितना देर भागेंगे आप कितना देर भागेंगे you have to understand the difference okay so yes overall that is what is happening in the next 24 hours i hope this helps you out i hope this resonates and um, thank you so much for watching like share comment and subscribe if you are new here and of course till then take care and goodbye